हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विक रिवीजन ऑफ इंग्लिश फॉर एसएससी एमटीएस 2017। फ्रेंड्स, यहां पे हम आपको देखेंगे कि यहां पे आप देखेंगे कि मैं आपको कंप्लीट रिवाइज कराने जा रहा हूं आपके इंग्लिश के सेक्शन को। फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको कवर करूंगा पूरा जो ग्रामर होता है, पूरा ग्रामर मैं आपको कवर करने जा रहा हूं। और फ्रेंड्स, ये आप बात नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे मैं कोई आपको चैप्टर लेके नहीं आ रहा हूँ कि मैं ज्यादा डिटेल में उसके जाऊंगा। जो फ्रीक्वेंट, जो जरूरी है आपके लिए, बस उसे मैं फ्रीक्वेंटली यहाँ पे लगातार जल्दी जल्दी आपको मैं बताते चलूंगा कि क्या आपको पढ़ लेना चाहिए इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले कवर करूंगा, देन आफ्टर टेंस, नरेशन, वॉइस, इस तरीके से जिसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट चीज लगेगा मैं आपको बताते चलूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते, कुछ देर आज नहीं, आज ना कुछ ज्यादा बातें होगी, सिर्फ और सिर्फ जो आपके इंग्लिश सेक्शन है सिर्फ उसी पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आपको इसका रिवाइज आपको कर लेना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं नॉन। फ्रेंड्स, नॉन में आपको आखिर पढ़ना क्या होता है? सिंगुलर प्लुरल सबको आपको पता है, किताब में बहुत सारे रूल्स है, आप जितना चाहे उतना पढ़ लीजिए, फिर भी वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। नई बुक पढ़े थोड़ा सा उसमें ज्यादा दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे नॉन, नंबर, केस, ये सब कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम्स में आते मैं सिर्फ उसी पे यहाँ पे फोकस करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो सबसे पहला मैं यहाँ पे टॉपिक मुझे याद आ रहा है वो है, अगर हाइफन वाले आपको कुछ नॉन्स मिलते उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम लोग लेके चलते 1 रुपी नोट, इस तरह के अगर आपको फ्रेजेज मिलते हैं, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिलते हैं तो याद रखेंगे कभी भी ये प्लुरल नहीं होगा, ये हमेशा का हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे 2 रूम फ्लैट, 2 रूम फ्लैट। तो फ्रेंड्स, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये 2 आ गया तो इसे ऐसे हम एस लगा दे, और प्रॉब्लम आपको यही दिया जाएगा कि 2 लगा होगा और उसके साथ एस लगा के दिया जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये ज्यादातर आपको हाइफन में ही मिलेंगे, कभी वैसे कोई गलती से लिख दे बट ये हाइफन से ही आएंगे। और ये पूरा मिलकर के एडजेक्टिव का काम करता है जो किसी नॉन की विशेषता बताता है। जैसे ये देखें, ये दोनों मिलकर के इस फ्लैट की विशेषता बता रहे, फ्लैट कैसा है, 2 रूम वाला। फ्रेंड्स, तो कभी भी ये बात याद रखेंगे, ये आपको ज्यादा दिया जाता है कि इस तरह के कभी यहाँ पे 2 रुपी नोट, 1 से तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही 2 आए, 3 आए, 4 आए तो ऐसा नहीं कि ये रुपीज हो जाएगा, ये रुपी ही रहेगा क्योंकि ये दोनों मिलकर के एडजेक्टिव का काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, देखें दूसरा क्या होगा। फ्रेंड, दूसरा आपको याद होगा कजिन। तो फ्रेंड्स, कजिन के साथ ना कभी सिस्टर लगता है, ना कजिन के साथ कभी ब्रदर लगता है। याद रखेंगे कजिन अकेला आता है जिसका मतलब सिस्टर या ब्रदर दोनों होता है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सॉरी कुछ भी भाई बहन होता है, चाहे वो चचेरा हो या ममेरा हो। फ्रेंड्स, तो इसके साथ कभी ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हम एक और देखें, आपको बताए पुलिस, जो हम लोग बोलते हैं पुलिस, क्लियर। फ्रेंड्स, तो पुलिस से किसी एक इंसान का बोध नहीं होता। अगर आपको पुलिस के किसी एक इंसान के बारे में बताना है, इट मीन्स मेरा भाई एक पुलिस में है, सॉरी पुलिस मैन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एड करना पड़ेगा मैन। फ्रेंड्स, पुलिस से उस डिपार्टमेंट का बोध होता है, ना कि किसी पर्सन का बोध होता है। अगर किसी पर्सन के बारे में बताना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मैन लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ पे क्विक आपको रिवीजन करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं अगला टॉपिक देखें। फ्रेंड्स, तो अगर अभी आपको कहीं बताना हो कि खाली जगह, फ्रेंड्स अगर कहीं भी आपको किसी जगह खाली जगह बताना हो तो कभी भी हम प्लेस का यूज नहीं करते। याद रखेंगे कभी भी हम उस जगह प्लेस का यूज नहीं करते। हर जगह रूम होता है, नो रूम, आप कहीं देखेंगे हो भी कि बोलते हैं नो रूम इन दिस वीडियो हॉल नाउ, अब इस वीडियो हॉल में कोई जगह खाली नहीं है। फ्रेंड्स, अगर कहीं भी आपको एक सर्कल के अंदर एक घिरे हुए जगह के अंदर अगर कोई रूम की मतलब खाली जगह के बारे में बतलाना हो तो आप प्लेस का यूज नहीं करेंगे, आप किस चीज का यूज करेंगे, रूम का यूज करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर याद रखेंगे, अगर कोई नॉन हो और उसके बाद प्रीपोजिशन हो, अगर नॉन हो और उसके बीच में प्रीपोजिशन हो और दोनों तरफ उसके नॉन है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे दोनों नॉन हमेशा सिंगुलर आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखिए हम अगला। फ्रेंड्स, अगर ब्यूटी, फ्रेंड्स ये एक नॉन है और ये सबको पता है अनकाउंटेबल नॉन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है।
फ्रेंड्स, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के बावजूद भी इसको हम लोग काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके पहले हम आर्टिकल ये लगा दें, शी इज अ ब्यूटी। फ्रेंड्स, जब शी इज अ ब्यूटी बोलते हैं तो अ ब्यूटी का मतलब हो गया अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो फ्रेंड्स, क्लियर हो गया कि अगर ब्यूटी के पहले ए लग जाएगा तो गलत नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लेकिन वो गलत नहीं होगा, उसका मीनिंग क्या होता है चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, अगला देखिए हम, इनिंग्स, स्टडीज, इस तरीके से कुछ ऐसे नाउन है जिनका यूज अगर हम करते तो हमेशा प्लुरल में यूज होते हैं, ना कि सिंगुलर में यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर वन इनिंग्स लिखना हो तो ऐसा नहीं कि वन इनिंग होगा, और जब भी होगा तो वन इनिंग्स होगा, स्टडीज होगा, क्लियर, टू इनिंग्स होगा, थ्री इनिंग्स होगा। इट मीन्स अगर नंबर इसके पहले, अगर इनिंग्स की बात करें, अगर इसके पहले नंबर वन हो तो भी इनिंग्स, दो हो तभी इनिंग्स, थ्री एंड सो ऑन, कुछ भी होगा तो इसके बाद हम लोग इनिंग्स लगाते। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि सिंगुलर से प्लुरल जो बनाते हैं रूल्स, आप उससे अच्छे से रिविजन कर लेंगे, देन ऐसा आप पढ़े तो ये आपको कम्पिटेटिव रूल हो गए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, तो आगे देखिए, आगे एक बात आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि कभी भी इंग्लिश टीचर नहीं होता है, अगर कहीं इंग्लैंड छोड़ के अलावे, मतलब इंग्लैंड के अलावे कहीं और के टीचर, जैसे मैं हूं या कोई और भी है जो इंग्लिश पढ़ा रहे, तो कभी उनके लिए हम इंग्लिश टीचर का यूज नहीं करते। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब भी हमको अगर इंग्लिश टीचर बोलना हो तो वहां पे हम बोलेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश। सही इसका फॉर्म क्या होगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश। क्लियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, द टीचर ऑफ इंग्लिश। अगला देखें फ्रेंड्स, कि अगर हम बोलते हैं फैमिली मेंबर, तो फ्रेंड्स ये भी गलत होता है, कभी भी आप फैमिली मेंबर का यूज नहीं करेंगे, जब भी करेंगे इसी फॉर्म में यूज होगा, द मेंबर ऑफ फैमिली यूज होता है। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब पॉइंट्स आपको ज्यादा याद करने, ये सब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा आते हैं और आपको एसएससी एमटीएस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम अगला आपको बोलता है कि अगर हम लोग नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो हम लोग कहीं जाते तो बोल देते हैं कि साइन कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये गलत बोलते हैं, जब भी आपको नाउन के रूप में यूज करना है आपको क्या बोलना पड़ेगा, सिग्नेचर बोलना पड़ेगा। याद रहना चाहिए कि साइन हमारा नाउन के रूप में गलत होता है, सिग्नेचर हमारा सही होता है। इसी तरीके से सेकेंड देख ले हम, कि अगर आप पिक्चर यूज करते हैं मूवी के लिए, ठीक है, अगर मूवीज के लिए आप पिक्चर यूज कर रहे हैं तो ये आप गलत यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पिक्चर्स। क्लियर फ्रेंड्स, देखेंगे देन हम लोग बोल देते बोलचाल की भाषा में सेंट परसेंट। फ्रेंड्स, ये गलत होता है, कभी सेंट परसेंट हम यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे तो हमें बोलना पड़ता है 100%। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देखें टेल अ लाई एंड स्पीक द ट्रूथ। फ्रेंड्स, याद रखेंगे लाई के साथ टेल आता है और ट्रूथ के साथ स्पीक रहता है, इससे भी आपको कॉमन एरर्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं कि इसके साथ स्पीक लगा दिया जाए और इसके साथ टेल लगा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में क्या क्या बता रहे हैं, जो अभी नॉन हम सेक्शन पढ़ाए, कुछ और इसमें हम देखते हैं अभी। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर पुस्तिका के लिए या कॉपी हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी नॉन के लिए कॉपी यूज करें तो ये गलत है, इसका मतलब होता है नकल करना। अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉपी बुक या नोटबुक। क्लियर फ्रेंड्स, तो याद करना है कि कॉपी गलत होता है हमारा, कॉपी बुक यूज करेंगे या नोटबुक यूज करेंगे, जिसका मतलब हम लोग जो नोट कॉपी बनाते हैं उसका अर्थ होता है। फ्रेंड्स, अगला देखिए हम कि इन डिटेल्स बोल देते हैं, इन डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये गलत होता है, जब भी होगा तो क्या होगा, इन डिटेल होगा, इन डिटेल होगा। फ्रेंड्स, ये सब अच्छे से आप याद रखेंगे, यही सब आपको नॉन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं यही दिए जाते हैं। नंबर्स तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये जो मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से हॉट टॉपिक लेकर के आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के कॉमन एरर्स या जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस तरह के दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक देखेंगे हम लोग कि हम लोग फ्री स्टूडेंटशिप, जिसका मतलब होता है कि जो स्कूल में आप फी जमा कर रहे हो उसपे जो छूट आपको दी जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्री स्टूडेंटशिप। और इसके लिए आपको प्रॉब्लम क्या दिया जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, आपको फ्री शिप लिख देता है। तो कभी फ्रेंड्स फ्री शिप नहीं होगा, और जब भी होगा तो फ्री स्टूडेंटशिप होगा। क्लियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक लास्ट देखिए हम आपको बता रहे, वेयर अवार्ड, ये भी आपको नॉन से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वेयर अवार्ड,
जिसका मतलब होता है अता पता, इट मीन्स एड्रेस जब हम बताते हैं तो उसके लिए हम लोग वेयर अबाउट यूज करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वेयर अबाउट गलत होता है, हमें यूज करना पड़ता है अबाउट्स, इट मीन्स वेयर अबाउट्स होता है जो कि हमारा सही होता है एड्रेस बतलाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके नॉन से रिलेटेड जो हॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको, जो कॉमन एरर या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आपको दिए जाते हैं वो इतने सारे आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। तो आगे हम देखते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आइए देखें हम लोग कि प्रोनाउन में हम लोग को क्या जानना ज्यादा जरूरी है बिफोर एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स प्रोनाउन में आपको एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपको प्रोनाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो होते हैं कि अगर प्रोनाउन्स को एक साथ एंड से जोड़ दिया जाए तो आपके क्या क्या वर्ब यूज होंगे। फ्रेंड्स आपको मैंने पिछले वीडियो में या एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोनाउन हम लोग को मिल जाए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अगर पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको काइंड बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं पूरे काइंड आपको लेके चलूं, जो इम्पोर्टेंट जो मेन आपके लिए होते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर हमारा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये अगर हमारा तीनों एक ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब क्या होगा। फ्रेंड्स हमेशा इसे टू थ्री वन के ऑर्डर में हम लोग लगाते हैं और इज इक्वल टू वी होता है। फ्रेंड्स ये बात आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिल जाए, इट मीन्स आई यू और दे, अगर मान लिया जाए इस तरीके से मिल जाते इट मीन्स फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स आपको अगर गुड सिंस सेंटेंस से आ रहा है इट मीन्स सेंटेंस का मीनिंग अच्छा वाला है तो हम उसको टू थ्री वन के ऑर्डर में सजाएंगे, इट मीन्स पहले सेकंड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन देन सॉरी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन एंड इक्वल टू बी। अब प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम आपको एक तो वी दे दिया तो हमें पता है कि वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लुरल वर्ब हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हमारा प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज करना हो, पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज करना हो फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीज बी के अकॉर्डिंग होगा, इट मीन्स वी जो कहेगा वही होगा। इट मीन्स अगर बोलना हो कि यू ही एंड आई आर डूइंग आर वर्क, तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके के सब्जेक्ट आपको मिल जाए तो सबसे पहले आपका ध्यान वर्ब पे जाना चाहिए, देन आपका अगर पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन दे दिया है तो वहां पे। फ्रेंड्स अगर गलत सेंस आ रहा है तो आप उसे वन टू थ्री के ऑर्डर में सजा देंगे एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू वी। अब ये भी हमारा किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको पर्सनल प्रोनाउन का ये यूज समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगला मैं बता रहा हूं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें सेल्फ और सेल्फ लगा दिए जाते हैं, सिंगुलर वाले में सेल्फ और प्लुरल वाले में सेल्फ लगा दिए जाते हैं। फ्रेंड्स इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है और इसका यूज तभी होता है जिसको आप जोरदार बनाना चाहते हैं, इट मीन्स अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट को आप इम्फेटिक करना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में लिख दें, जैसे आई माई सेल्फ टीच यू इंग्लिश, मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, ही हिम सेल्फ डिड इट, उसी ने इसको किया है, इट मीन्स आई हैव डन इट माई सेल्फ, ऐसे भी लोग यूज कर देते हैं, बट बेहतर होता है कि जिसे इम्फेटिक बना रहे जस्ट आफ्टर उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर देना है। तो फ्रेंड्स और देखते हैं हम इसके रिलेटेड प्रोनाउन जो आपके लिए जरूरी होगा। फ्रेंड्स देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आप जानते होंगे आइदर नाइदर, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं, इट मीन्स दो व्यक्ति या वस्तु को जब बतलाना हो तो पॉजिटिव में आइदर और नेगेटिव में नाइदर यूज करते हैं। फ्रेंड्स अब आपको दिया क्या जाता है, एक पेयर भी दोनों का बनता है कि आइदर के साथ और आता है और नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। तो फ्रेंड्स ये चीज भी आपको याद रखनी, फर्स्ट चीज याद रखनी है दो व्यक्ति और वस्तु के लिए यूज करेंगे, दो से ज्यादा के लिए हम यूज नहीं करेंगे। अब दिक्कत आपको दिया जाता है कि दो से ज्यादा के लिए दे दिया जाता है। फ्रेंड्स जब दो किससे ज्यादा के लिए दे दिया जाएगा तो आइदर के जगह पे आप एनी कर देंगे और नाइदर के जगह पे आप नन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए फिर हम इच, इसका भी प्रयोग हम लोग प्रत्येक के लिए करते और दो के लिए करते। फ्रेंड्स तो इच का प्रयोग हम लोग दो के लिए करते, अगर दो से अधिक के लिए करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरीवन, क्या करना यूज करना पड़ेगा आपको, एवरीवन। इच का प्रयोग दो के लिए और एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक के लिए। फ्रेंड्स ये सब चीजें आप अच्छे से नोट कर ले, अच्छे से रिवाइज कर ले और जितनी दफा हो सके वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लाइव अगर आपके पास सुविधा वाईफाई की है तो आप जितनी दफा चाहे उतनी दफा वीडियो ये पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखते रहिए। फ्रेंड्स अब देखिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव का यूज हम लोग जोरदार करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव में एक आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कुछ वर्ब ऐसे हैं
जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। फ्रेंड्स आइए हम उस कुछ लिस्ट आपको दे दूं। तो फ्रेंड्स देखिए लिस्ट आपके सामने बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं लेकिन जो आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, मैंने उसी वर्ब्स को चार वर्ब्स यहाँ पे मैंने लिखे जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूरी किया जाता है अगर सेंटेंस में उसका यूज किया गया हो। फ्रेंड्स एक एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय एंड अवेल। फ्रेंड्स याद रखेंगे एब्सेंट आपको शायद पता होगा कि एब्सेंट एडजेक्टिव भी है, ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स वो तो सही है लेकिन अगर इसका यूज हम लोग वर्ब की जैसा करेंगे तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर होगा। जैसे हमने लिखा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, फ्रेंड्स अगर यहाँ से हम हिमसेल्फ हटा दे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखेंगे कि अगर एब्सेंट का यूज वर्ब के जैसा किया गया हो तब हम उसके साथ याद करते क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ इन द मीटिंग, क्लियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट आया इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया। आई एंजॉयड माय सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। फ्रेंड्स इंजॉय से एक और बात याद रखेंगे कि अगर प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया हो, अगर इंजॉय के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए आई एंजॉय एंजॉयड द पार्टी, फ्रेंड्स ये भी सेंटेंस हमारा सही होगा, ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इसके साथ प्रीपोजिशन लगा दिया जाए तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूरी करना है। फ्रेंड्स और देख ले, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहे थे, एक और याद रखेंगे कि अगर कोई वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कुछ अदर चीज का यूज ना करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई टॉट माई सेल्फ, मैंने खुद को पढ़ाया। आफ्टर मिसिंग द ट्रेन ही यूज्ड हिमसेल्फ, गाड़ी छूट जाने पे उसने खुद को गाली दी। फ्रेंड्स जब एक वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होगा तब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। फ्रेंड्स अब देखें आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुत ज्यादा दिया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन से भी ज्यादा रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, कॉमन एरर वगैरह दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होते क्या है। जो आप क्वेश्चन डब्ल्यूएच क्वेश्चन याद करते उन्हीं का यूज हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, या कंजक्शन आप बोल सकते हैं कि कंजक्शन के जैसा करते उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन में आपको जो मेन चीज है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन में आपको याद रखना है जो ज्यादा आपको पूछे जाते या दिए जाते, हु, हुम और डैट। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका यूज हम लोग सब्जेक्ट के लिए करते, इसका यूज ऑब्जेक्ट के लिए करते और इसका यूज दोनों चीज के लिए करते, ऑब्जेक्ट के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी। फ्रेंड्स अब याद रखेंगे कि जनरल सेंटेंस से जब आते हैं तो हम लोग हु का यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए, जैसे दिस इज द मैन हु टॉट मी इंग्लिश, यह वही आदमी है जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। तो यहाँ पे हु का यूज द मैन को बतलाने के लिए कर रहा है जो कि सब्जेक्ट है, इट मीन्स द मैन टॉट मी, किसने पढ़ाया मुझे, उस आदमी ने पढ़ाया, इट मीन्स। और सेकेंड सेंटेंस देख सकते हैं कि हुम का यूज कैसे करते, शी इज द गर्ल हुम आई लाइक मोस्ट, यह वही लड़की है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं या बहुत पसंद करता हूं। फ्रेंड्स जब हम हुम का यूज किए यहाँ पे तो हम जब क्वेश्चन करते हैं आप जैसे आई लाइक द गर्ल कहां चला जाता है, लाइक के बाद, इट मीन्स ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज किया गया है। और फ्रेंड्स आप डैट का यूज क्या करते हैं कि डैट ये बात याद रखेंगे इसका यूज व्यक्ति के लिए भी करते और वस्तु के लिए भी करते, चाहे सब्जेक्ट बतानो या ऑब्जेक्ट बतानो उसके लिए तो हम करते ही है, लेकिन जो मेन इसका यूज होता है कि हम व्यक्ति के लिए भी करते हैं, वस्तु के लिए भी करते हैं और जानवर के लिए भी करते हैं, इट मीन किसी भी चीज के लिए हम डैट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द मैन डैट आई नो वेरी वेल, तो इस तरीके से हम लोग यूज किए कि दिस इज द मैन डैट, आप देखेंगे डैट आई नो वेरी वेल। फ्रेंड्स तो यहां पे देखेंगे कि ये जो आया है ये आपका नो का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमारा डैट आया है। फ्रेंड्स इसको हम सब्जेक्टिव केस के लिए भी बना सकते हैं, इट मीन डैट का यूज हम लोग सब्जेक्ट के लिए भी करते, याद रखेंगे डैट का यूज सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आदमी के लिए कर सकते, फिर पर्सन के लिए कर सकते, थिंग्स के लिए कर सकते, एज वेल एज हम लोग जानवर के लिए भी कर सकते, एनिमल्स के लिए भी कर सकते। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके डैट के। जैसे आप डैट का यूज हम कर सकते कि द मैन डैट आई नो फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते दिस इज द मैन डैट
बिल्ट दिस बिल्डिंग। फ्रेंड्स तो इस तरीके से डैट का यूज हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनिमल्स पर्सन थिंग्स सब के लिए कर सकते हैं। तो डैट का एक और यूज देखेंगे कि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एडजेक्ट सॉरी सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दे तो फ्रेंड्स आपको ना हु आएगा ना हुम आएगा। ये बात नोटिस करेंगे कि जब भी अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ डैट का यूज होगा। जैसे ही इज द फाइनेस्ट मैन डैट आई नो। फ्रेंड्स तो याद रखेंगे कि जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा आपका डैट होगा, चाहे सब्जेक्ट बताना हो या ऑब्जेक्ट बताना हो, इट मीन चाहे सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो फ्रेंड्स ये थे आपके प्रोनाउन से रिलेटेड। प्रोनाउन में और भी बहुत कुछ है, जैसे इट से रिलेटेड है, देयर से रिलेटेड है, तो ये सब चीज नॉर्मल है। जैसे आप एक चीज और इट आ गया तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम, दो चीज आपके फ्रेज होते हैं। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम अगर लिख दिया जाए और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटेंस अगर हमें ऐड करना हो, यहाँ पे हमें सेंटेंस ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट आता है। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आएगा तो इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम के बाद पास्ट इनडेफिनिट आएगा। इट मीन्स इट इज हाई टाइम यू गॉट मैरिड, यह उचित समय हो गया या उचित समय पास हो गया। फ्रेंड्स इट इज हाई टाइम और टाइम के लिए आप पास्ट इनडेफिनिट टेंस का वीडियो हमारा देख सकते हैं, वहां पे आपको इससे रिलेटेड डिटेल मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम के बाद सिर्फ और सिर्फ पास्ट इनडेफिनिट टेंस आता है। तो फ्रेंड्स ये थे प्रोनाउन से रिलेटेड हमारे तरफ से ब्रीफ एक नोट्स था आपके लिए कि ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, कंप्लीट आप इसे नहीं समझेगा। सिर्फ आपका यहाँ पे SSCMTS 2017 के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका रिविजन है वो मैं आपको रिविजन करा दू। फ्रेंड्स आई होप कि आपको नॉन और प्रोनाउन पता है। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे और टेंस नरेशन वॉइस है तीन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। फ्रेंड्स ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही आपको दूसरा वीडियो बिफोर एग्जामिनेशन में आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को कहिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। चूंकि आज बहुत क्विक वीडियो था इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ और उसी तरह से मैं फिनिश भी कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु।